हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ साक्षी चौरसिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। वी ऑल नो दैट कि स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वे है मार्केट में ट्रेडिंग करने का, जिसके बेसिस में आप मंथली 20% रिटर्न तक जनरेट कर सकते हैं और उसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट एज वी ऑल नो दैट कि जो मार्केट है वो आउट ऑफ 60% सिर्फ और सिर्फ साइडवेज होता है और 40% ही वो अपसाइड और डाउनसाइड होता है, और हमें इसी 60% के बेसिस में मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना है। और आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में प्रॉफिट ले सकते हैं, वो भी 10-20% पर ट्रेड। यस गाइस, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं बताने वाली हूँ आपको कि कब इंडिकेटर 80 लेवल से अपसाइड जाए तब आपको बाय करना है, या फिर 20 लेवल से जाए तब आपको सेल करना है। नो गाइस, मैं आपको फुल्ली प्राइस एक्शन के बेसिस में बताऊंगी कि यस, इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव है, इस पॉइंट पर बायर एक्टिव है और यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99% है। यस गाइस, ट्रस्ट में इसकी एक्यूरेसी है 99%, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैं खुद मार्केट में ट्रेडिंग कर रही हूँ और इसमें मुझे आउट ऑफ 99% गाइस मुझे डेफिनेटली इससे प्रॉफिट होता है। काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं, और मैंने जिनको भी आज तक इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है और जिन्होंने इसको कंसिस्टेंट बेसिस में जो जो मैंने बोला है वो फॉलो करा है, तो उन्हें भी डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा गाइस, मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं और इसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बिफोर दैट गाइज, आपको कुछ रूल हैं जो कि इस स्ट्रैटेजी में फॉलो करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन रूल्स को फॉलो करें, अदरवाइज आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। गाइज, ये रूल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक है। मैं मेरी सारी वीडियोज़ में बताती हूँ बट स्टिल काफ़ी सारे लोग इन्हें अवॉइड कर देते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से ये रूल बता रही हूँ। सो द वेरी फर्स्ट रूल इज गाइज कि नेवर ट्रेड इन पैनी स्टॉक। यस, काफ़ी सारे ट्रेडर्स को लगता है कि हमें पैनी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए जिसके चलते हम एक साथ 1000 ट्रेड ले पाएंगे, बट हमेशा याद रखिए पैनी स्टॉक में मूवमेंट नहीं होती। पैनी स्टॉक में मूवमेंट 0.25% 0.30% में होती है, जबकि अगर आप किसी अच्छे स्टॉक का ट्रेड लेते हैं तो उसमें मूवमेंट ही 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ होती। तो इन अ लॉन्ग रन गाइज आपको पैनी स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज कि हमेशा उन स्टॉक में ट्रेडिंग करना है जिसमें अच्छी खासी हाई वॉल्यूम हो, हाई लिक्विडिटी हो, जिसके चलते आप स्विंग ट्रेडिंग में ईजी प्रॉफिट अर्न कर पाए। दैट मीन्स गाइज, स्विंग ट्रेडिंग में हम एक ट्रेड को एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक होल्ड करते हैं, और अगर उस पॉइंट पर अगर उस ट्रेड में मूवमेंट आई ही नहीं तो फिर हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल होती है वह स्टक हो जाती है, इवन हमें लॉस हो जाता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर लिक्विड स्टॉक ढूंढें और उसमें ही आपको ट्रेडिंग करना है। थर्ड थिंग जो कि लोग ऑप्शन जो से स्विंग ट्रेडिंग में मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ कि वो स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी स्टॉप लॉस पुट नहीं करते, जिसके चलते वो स्विंग ट्रेडिंग कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बन जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के बाद ही ट्रेडिंग करें। ठीक है, आप एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कीजिए और उसके बेसिस में ही आपको ट्रेड लेना है। ये तीन चीज़ हो गई जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी। यस गाइज, जिसको काफ़ी सारे लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजी में गाइज हमें सिंपली सिर्फ सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना है और रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है। जब हमारा ट्रेड सपोर्ट लेवल पे आएगा तब हमें बाय करना है, जब वो रेसिस्टेंस लेवल को टच करेगा हमें सेल करना है। इसके बेसिस में गाइस आप सिंपली मार्केट में ट्रेड ले सकते हो और इसमें आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और वो भी छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, आपको 10-20% का प्रॉफिट होगा। मैं आगे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को आप मार्केट में वर्क कर सकते हैं और इन अ लॉन्ग रन आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस आप तुरंत देख सके और अपनी ट्रेडिंग की जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्ट्रैटेजी है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेसिस स्ट्रैटेजी। Yes. आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी को यूज करते होंगे, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में जनरली हम मार्केट में एक स्विंग का वेट करते हैं कि किस पॉइंट पर प्राइस यहां से अपसाइड जाएगा, उस पॉइंट पर हम बाय करते हैं, राइट? और इसी के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेस्ट वे है स्ट्रैटेजी का। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोल लीजिए या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन बोल लीजिए, यहाँ पर आप सिंपली देखते हैं कि किस पॉइंट पर बायर की मूवमेंट हाई है तो आप उस पर बाय कर देते हैं और इजिली सेल कर लेते हैं। इसमें गाइस कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इट इज
एब्सोल्यूटली वर्क इन द मार्केट, दैट मीन्स 95% ये चीजें वर्क करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट की हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. ठीक है, दैट मीन्स जहां पर प्राइस ने एक साइड में बाय किया था, दैट मीन्स इस पॉइंट पर प्राइस अपसाइड गया था, तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी प्राइस उससे अपसाइड जाता है. इसीलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट में हमेशा वर्क करते हैं. और आज मैं आपको बताऊंगी कि कितना ईजी है मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस में ट्रेड लेना. द बेस्ट थिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज गाइस कि ये आपको एंट्री भी देते हैं, ये आपको टारगेट भी देते हैं और ये आपको स्टॉप लॉस भी देते हैं. तीनों चीजें एक साथ हो जाती है और इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के सिनेरियो काफी कम होते हैं और आपके प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स डेफिनेटली हिट होते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रैटेजी में जनरली हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को देखेंगे और रेसिस्टेंस को देखेंगे. दैट मीन्स जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर आएगा तो हमें चीज को बाय करनी है, जब प्राइस रेसिस्टेंस लेवल पर आएगा तब हमें उस ट्रेड को सेल कर देना है. तो इस तरीके से आप सिंपली मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस में सेल कर सकते हैं. तो हम बाय इसलिए करते हैं बिकॉज ये शो करता है कि इस सर्टन लेवल पर यहाँ पर बायर एक्टिव है, तो यहाँ से डेफिनेटली प्राइस अपसाइड जाएगा, तो इस पॉइंट पर हमें बाय करना होता है. सिमिलरली ये रेसिस्टेंस लाइन होती है, ये शो करता है कि यहाँ पर प्राइस आएगा तो प्राइस यहाँ से डाउनसाइड जाएगा, तो यहाँ पर हम सेल कर देते हैं. ये सिंपली इस स्ट्रैटेजी को हमें स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस स्ट्रैटेजी से आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे. बिकॉज जो मार्केट होता है ना, मार्केट आउट ऑफ 80% टाइम मार्केट साइडवेज होता है. दैट मींस मार्केट अपसाइड होता है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फिर मार्केट डाउन हो जाता है. तो हमें जनरली क्या होता है, अपसाइड के टाइम पे तो हम ट्रेड में प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, डाउनसाइड के टाइम पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी होती है. बट साइडवेज मार्केट में भी हम इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इजीली और अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को मार्केट में यूज करना है. तो देखिए गाइस, सिंपली यहीं पर आपको ट्रेंड का एग्जांपल मैं शो करती हूं. देखिए यहां से जो प्राइस है वो अपसाइड जा रहा था, लिटिल डाउन आया, देखिए यहाँ पर जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हुआ और इसके बाद प्राइस डाउनसाइड चला गया. तो गाइस इस तरीके से ये फेज था ना, इस फेज के अंदर हम मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यही मैं आज आपको सिखाऊंगी. ठीक है, ओके. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सिंपली क्या करना है. गाइस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको मार्केट में प्रीवियसली जाना है और अब आपको वो लेवल आइडेंटिफाई करना है जिस लेवल पे प्राइस पिछली बार या तो प्राइस उस पॉइंट पर आके वेट किया था फिर बाउंस किया था, या फिर उस पॉइंट से प्राइस डाउनसाइड आया था. बिकॉज जो प्रीवियसली सपोर्ट होता है वो आगे जाके रेसिस्टेंस बन जाता है, जो आगे रेसिस्टेंस बनता है वो प्रीवियसली सपोर्ट रहता है. दैट मीन्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन कैन चेंज. ठीक है, इस तरीके से. तो देखिए ये सपोर्ट हो गया भाई, बिकॉज इसने इस पॉइंट पर इसको रेसिस्टेंस माना था, यहाँ पर रेसिस्टेंस माना था. ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट था. एज आई टोल्ड यू कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन कैन चेंज. इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है. अब देखिए ये तो है हमारी सपोर्ट लाइन, अब हमें रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है. तो रेसिस्टेंस के लिए हमें सिमिलरली प्रीवियस मार्केट में जाना है और उस तरीके से गाइस देखिए यहाँ पर प्राइस ने बाउंस किया था, तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अब आपको सिंपली क्या करना है गाइस, जब भी जो हमारा प्राइस है वो इस पॉइंट पर जब सपोर्ट लेवल पर आए. एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है. आप वन डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं. स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं. अब काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बट मैम ये तो यहाँ पर डाउन आ गए थे तो हमने तो यहाँ पर शॉर्ट कर दिया. तो गाइस हमेशा याद रखिए, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होती है ये एग्जैक्टली लाइन नहीं होती है, इन्हें आप लाइन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है ना गाइस, ये जनरली जोन की तरह होता है. जस्ट अ मिनट. हाँ, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है ना, वो इन तरीके से जोन्स की तरह मार्केट में वर्क करते हैं. यस, इस तरीके से. दैट मींस ये प्रॉपर लाइन नहीं होती है. इनको ये जब आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपसाइड ले और थोड़ा सा डाउनसाइड ले कि यस ये इस तरीके से मार्केट में वर्क करेगा. ठीक है, तो अब देखिए ये जब इसके पास आपको वेट करना है कि एक ग्रीन कैंडल बने और ग्रीन कैंडल की जो है वॉल्यूम भी हाई हो, तो दैट शो कि यस यहां पर आप बाय कर सकते थे. देखिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी, देखिए उसकी प्रीवियसली वॉल्यूम कितनी हाई थी. देखिए इस तरीके से यहां पर हाई वॉल्यूम थी. वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हाई वॉल्यूम थी, आपको इस पॉइंट पर ट्रेड ले लेना था. स्टॉप लॉस गाइस आपको क्या करना है, आपके जो सपोर्ट लेवल है उसके लिटिल से ब्लो पुट करना है, जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे. और देखिए गाइस इस तरीके से यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो. और देखिए आपको 85 पॉइंट का स्ट्रेट प्रॉफिट होता. अगेन देखिए ये अपने सपोर्ट लेवल के पास आया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, देखिए उसमें भी इसकी हाई वॉल्यूम है. गाइस वॉल्यूम वर्क करती है एज अ कंफर्मेशन की तरह, ये आपको बताती है कि यस इस पॉइंट पर सेलर आई मीन टू से बायर लिटरली एक्टिव है कि नहीं. और देखिए इस तरीके से इसमें आपको 58 पॉइंट का प्रॉफिट होता. अब देखिए अगेन इसके बेसिस में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे. अब देखिए कैंडल भले ही छोटी हो, बट देखिए इसकी भी हाई वॉल्यूम है. इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड ले लेना था. स्टॉप लॉस
आपको सपोर्ट लेवल के नीचे, और देखिएगा इस तरीके से 83 पॉइंट का प्रॉफिट होता। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, सिंपली आपको प्रीवियस मार्केट में जाना है, वहां पर इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है और उसके बेसिस में आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट लेवल के थोड़े से नीचे पुट कीजिए, टारगेट नेक्स्ट रेसिस्टेंस लाइन पे पुट कीजिए और इस तरीके से गाइस देखिए, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपको 84 पॉइंट इन जस्ट 2 or 3 days, आई मीन जैसे जस्ट 2 or 3 weeks आपको इस तरीके के इसमें हाई प्रॉफिट हो सकते थे। मैं आपको और एग्जांपल्स की तरह शो करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ओपन करी हुई है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पॉइंट पर जो है हमारी मेजर सपोर्ट लेवल बन रही है, कहाँ पर मेजर रेसिस्टेंस लेवल बन रही है। इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ प्रीवियसली मार्केट में जाना है। प्रीवियसली मार्केट में जाके आपको ये देखना है कि ये किस पॉइंट पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर आपको देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन होती है वो लाइन नहीं, वो जोन की तरह वर्क करती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप जब इन्हें ड्रॉ करेंगे ना, इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएंगे। और देखिए गाइस, जब भी जो हमारा प्राइस है वो इन सपोर्ट के पास आए थे तो देखिए प्राइस ने एक बाउंस लिया और प्राइस यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड गया। देखिए कितनी बार इसने टच किया और यहाँ से जो प्राइस है वो अपसाइड गया। आपको स्टॉप लॉस हमेशा इस जोन के नीचे पुट करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तभी हिट होगा गाइस जब जो ट्रेड है वो अपोजिट जा रहा होगा। अब देखिए गाइस, इस पॉइंट पर आपको ट्रेड ले लेना था और अब देखिए आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था तो 160 पॉइंट का आपको स्ट्रेट इसमें प्रॉफिट था। अब गाइस यहाँ पर आपने जब ट्रेड लिया होता इस कैंडल पर, तो देखिए यहाँ पर आप जो है अपना स्टॉप लॉस अगर आप इसके नीचे पुट करते तो देखिए आपका स्टॉप लॉस 84 पॉइंट का हो जाता है, जो कि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। आपको जर्नली देखना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस कितना, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हम जर्नली इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सिमिलरली अब देखिए अगेन यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, वाई यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनी है, उसकी वॉल्यूम हाई है। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो देखिए आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है गाइस, सिंपली आपको सिर्फ सपोर्ट लेवल पर देखना है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, उसकी वॉल्यूम हाई है, उसके बेसिस में आप ट्रेड लीजिए। देखिए यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो 226 पॉइंट का प्रॉफिट होता इन जस्ट 1 month। ये स्ट्रैटेजी गाइस मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस में आप सिंपली ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, सिंपली आपको प्रीवियस मार्केट में जाना है, मेजर लेवल को देखना है, उसके बेसिस में आप सिंपली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि यस किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ होती है। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर जो है मैंने शिप्ला ओपन कर लिया है। देखिए इस तरीके से अब शिप्ला में भी देखिए गाइस, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस मेजर लेवल पे जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेना। हमेशा याद रखिए जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल होती है वो जोन की तरह वर्क करती है, आप भी हमेशा उसको उस तरीके से यूज कीजिए, अदरवाइज आप काफी बार फॉल्स सिग्नल में फंस जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि यस किस पॉइंट पर सपोर्ट लेवल के पास आकर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके बेसिस में यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। मैं गाइस यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी यूज कर रही हूँ, मैं हमेशा मूविंग एवरेजेस यूज करती हूँ कि ये आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था और देखिए गाइस यहाँ पर आपको 96 पॉइंट का प्रॉफिट होता। ये अगेन अपने सपोर्ट लेवल के पास आया, ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, वॉल्यूम हाई थी, इस तरीके से आपने ट्रेड लिया होता तो देखिए अगेन 78 पॉइंट का प्रॉफिट होता। यहाँ पे गाइस आपका टारगेट में भी कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि इस पॉइंट पर जो ट्रेड है वो आके डाउनसाइड आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं और सिंपली यहाँ पर आप शॉर्ट का भी ट्रेड लेके सिंपली यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप गाइस ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो। तो इस स्ट्रैटेजी गाइस अब इजीली मार्केट में मंथली बेसिस में 1 लाख से 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप एक डिसेंट कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो, और अब मुझसे काफी सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे दैट मीन्स व्हाट इज डिसेंट कैपिटल। तो गाइस कैपिटल डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। दैट मीन्स आज मेरे लिए 5 लाख के कैपिटल भी इतना बड़ा नहीं होगी, बट यस एक पॉइंट पे मेरे लिए 5,000 भी बड़ा होता था। तो कैपिटल अपने अपने हिसाब से वेरी करती है और जितना कैपिटल में डिफरेंस होगा उतना ही आपके प्रॉफिट सिनेरियो में भी डिफरेंट होगा, बिकॉज जितनी छोटी कैपिटल होती है प्रॉफिट जनरेशन भी उस हिसाब से कम होती है और जितनी बड़ी कैपिटल होती है उस हिसाब से आपके प्रॉफिट भी वेरी कर जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज टोटली अप टू यू कि आपके पास कितनी कैपिटल है। ओके गाइस, सो आई होप ये क्लियर होगा किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं। बट स्टिल अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग इन ट्रेडिंग। ओके।